ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ये महर्षि से बातचीत का 25वां वीडियो है। ये वीडियो शुरू होता है महर्षि से बातचीत संख्या नंबर 266 से। मुसलमान प्रोफेसर ने पूछा, ऐसा मत है कि इच्छा का त्याग करना चाहिए, किंतु देह की कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, क्या करना है? महर्षि, मुमुक्षु तीन साधनों से संपन्न होना चाहिए। नंबर एक इच्छा, नंबर दो भक्ति तथा नंबर तीन श्रद्धा। इच्छा से तात्पर्य है देह जनित इच्छाओं की पूर्ति बिना देह में राग रखे, यथा भूख प्यास तथा मल मूत्र विसर्जन आदि। जब तक यह नहीं किया जाता, ध्यान में प्रगति नहीं हो सकती। भक्ति तथा श्रद्धा जानते ही हैं। भक्त, इच्छाएं दो प्रकार की हैं, निमन तथा श्रेष्ठ। निमन को श्रेष्ठ में परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है। महर्षि, हाँ भक्त। अच्छा भगवान, आपने तीन साधनों का वर्णन किया, जिनमें से इच्छा दे आदि से राग किए बिना स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति है। मैं तीन अथवा चार बार प्रतिदिन भोजन करता हूँ तथा देह जनित आवश्यकताओं पर इतना अधिक ध्यान देता हूँ कि मैं देह के बाहर से दब जाता हूँ। क्या ऐसी कोई अवस्था है जब मैं देह रहित हो जाऊं, जिससे कि मैं देह जन्य आवश्यकताओं के कलेश से मुक्त हो जाऊं? महर्षि, आसक्ति राग द्वेष हानिकारक है। कर्म अपने आप में बुरा नहीं है। तीन अथवा चार बार भोजन करने में कोई हानि नहीं है, किंतु केवल यही मत कहो मुझे इस प्रकार का भोजन प्रिय है और उस प्रकार का नहीं, तथा इसी प्रकार। इसके अतिरिक्त तुम जागृत अवस्था के 12 घंटों में ये भोजन आदि करते हो, न कि सुसुप्ति के समय में। क्या सुसुप्ति तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाती है? यह मानना भूल है कि केवल निष्क्रियता मोक्ष करा देती है। भक्त, सदेह तथा विदेह मुक्तों का वर्णन आता है। महर्षि, कोई मुक्ति नहीं है और मुक्त कहाँ है? भक्त, क्या हिंदू शास्त्रों में मुक्ति का वर्णन नहीं है? महर्षि, मुक्ति आत्मा का ही दूसरा नाम है। जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति सब अज्ञानियों के लिए हैं। ज्ञानी को न मुक्ति का भान है न बंध का। अज्ञानी का अज्ञान नष्ट करने के लिए बंध मुक्ति तथा मुक्ति की श्रेणियों का विवरण है। मुक्ति में और कुछ नहीं। भक्त, भगवान के दृष्टि बिंदु से तो यह ठीक है, किंतु हम लोगों के बारे में क्या? महर्षि, वह तथा मैं का भेद ज्ञान मार्ग में बाधा है। भक्त, किंतु इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि भगवान श्रेष्ठ भूमिका में है, जबकि हम लोग सीमित हैं। क्या भगवान मुझे अपना सा कर लेंगे? महर्षि, क्या तुम्हें सुसुप्ति में सीमित होने का बोध था? भक्त, मैं सुसुप्ति की अवस्था को अब इस अवस्था में नहीं ला सकता और उसके बारे में नहीं बता सकता। महर्षि, तुम्हारा ऐसा करना आवश्यक नहीं। ये तीन अवस्थाएं
अपरिवर्तित आत्मा के समक्ष एक के बाद दूसरी होती रहती हैं। तुम अपनी सुषुप्ति अवस्था को स्मरण कर सकते हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ऐसा है, उसमें कोई सीमाएं नहीं थी। अहम भाव के उदय होने के बाद ही सीमाएं आ जाती हैं। भक्त, आत्मा की प्राप्ति कैसे हो? महर्षि, आत्मा की प्राप्ति नहीं करना है, क्योंकि तुम आत्मा हो। भक्त, हाँ, मुझ में एक अपरिवर्तित तथा दूसरी परिवर्तित आत्मा है। आत्माएं दो हैं। महर्षि, परिवर्तनशील संकल्प मात्र है। मैं के संकल्प के उपरांत ही समस्त संकल्प उदय होते हैं। देखो, संकल्प किसको उदय होते हैं, तब तुम उनसे परे हो जाओ और वे समाप्त हो जाएंगे। आशय यह है कि अहम भाव के उद्गम का पता लगाने से शुद्ध आत्मा का अनुभव हो जाता है। भक्त, क्या मैं अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान करूं? महर्षि, मंत्र मैं ब्रह्म हूं ख्याल करने के लिए नहीं है। अहम मैं से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। ब्रह्म अहम के रूप में सब में रह रहा है। मैं को जानो, मैं ही ब्रह्म है। तुमको वैसा ख्याल करने की आवश्यकता नहीं, केवल मैं को ढूंढो। भक्त, क्या शास्त्रों में कोषों को त्याग करने की चर्चा नहीं है? महर्षि, अहम भाव के उदय होते ही मैं को भ्रांति वश देह इंद्रिय तथा मन आदि से एक कर लिया जाता है। मैं को भ्रांतिवश इनसे संलग्न कर दिया जाता है और वास्तविक मैं कहीं चला नहीं जाता। शुद्ध मैं को दूषित मैं अहम भाव से अलग करने हेतु कोशों को त्यागने की चर्चा की गई है, पर इसका वास्तविक भाव यह नहीं है कि अनात्म को त्यागना है, अपितु इसका अर्थ है वास्तविक आत्मा को जानना। वास्तविक आत्मा सीमा रहित परिपूर्ण मैं है। यह नित्य है, न इसका आदि है न अंत। दूसरा मैं जन्मता है और मरता है, वह अस्थाई है। परिवर्तित संकल्प किसको आते हैं, यह देखो। तुम जानोगे कि वे अहम भाव के उपरांत उत्पन्न होते हैं। वास्तविक मैं में टिके रहो, उनका शमन होगा। अहम भाव के मूल को खोजो, केवल आत्मा शेष रह जाएगी। भक्त, यह समझना कठिन है। मैं सिद्धांत समझ गया, परंतु अभ्यास क्या है? अन्य साधन उनके लिए हैं जो आत्मा की शोध करने में असमर्थ हैं। अहम ब्रह्मास्मि के जप तथा उसके विचार हेतु भी कर्ता आवश्यक है। वह कौन है? वह मैं है, वही बने रहो। यह सीधा मार्ग है। अन्य सब साधन साधक को अंत में यही लाते हैं। भक्त, मुझे मैं का भान है, तथापि मेरे क्लेशों का अंत नहीं हुआ। महर्षि, यह मैं शुद्ध नहीं है। यह देह तथा इंद्रियों के संयोग से दूषित हो गया है। क्लेश किसको है, यह देखो। यह अहम भाव को है, उस पर रुको, तब अन्य संकल्प नष्ट हो जाएंगे। भक्त, हाँ, यह कैसे करें, यही सारी कठिनाई है। महर्षि, शुद्ध मैं का विचार करो और वहां टिको,
जिससे अन्य सब संकल्प दूर हो जाएंगे। 23 अक्टूबर 1936। बातचीत संख्या 267। कक्षा में संबंधित पशुओं की चर्चा करते हुए महर्षि ने ओवई द्वारा रचित तमिल छंद सुनाया। एक वृद्धा ने कहीं ज्योतिष में किसी को कंबर की प्रशंसा करते सुना। वृद्धा ने एक छंद में उसका उत्तर दिया जिसका आशय है, हर एक अपने ढंग से महान है। एक पक्षी की तुलना में जो इतना सुंदर घोंसला बनाता है, कीड़ों की तुलना में जो लाख देते हैं, मधु मक्खी की तुलना में जो शहद का छत्ता निर्माण करती हैं, चींटियों की तुलना में जो नगर बसाती हैं, तथा मकड़ी की तुलना में जो जाल बनाती हैं, कंबर की महानता क्या है। तदुपरांत श्री भगवान इनके कार्यों का विवरण देने लगे। जब उनका पर्वत पर निवास था, उन दिनों महर्षि ने यहाँ एक ऐसी कुटिया देखी जो पत्थर तथा मिट्टी की बनी थी तथा उनका खपरेल की छत थी। वहाँ दीमकें बराबर परेशान करती थी। जिस गारे में दीमकें घुस गई थी, उनसे बचने के लिए छत तथा दीवारें गिरा दी गई। श्री भगवान ने देखा कि पत्थरों से सुरक्षित गुफाएं नगर की भांति प्रतीत होती थी। अगल बगल काले प्लास्टर युक्त दीवारें थी तथा पास के नगरों तथा जाने को सड़कें थी, जो उसी प्रकार अगल बगल काले प्लास्टर की दीवारों से सुरक्षित थी। ये दीवारें सड़कों के सूचक थी। नगर के आंतरिक भाग में दीमकों के रहने के छिद्र थे। पूरी दीवार दीमकों का आवास बन गई थी, जिससे छत भी ध्वंस हो चुकी थी। श्री भगवान ने एक मकड़ी को भी जाला निर्माण करते देखा था तथा उसका वर्णन किया। मकड़ी एक स्थान में, तब दूसरे में, फिर तीसरे में जाती दिखती है। इन सब स्थानों पर रेशा दृढ़ता से जमाया जाता है। मकड़ी इन्हीं रेशों पर चलती है, चढ़ती है, उतरती है तथा बारंबार परिक्रमा करती है और पूरा जाला बन जाता है। यह ज्यामिति की तरह होता है। जाल प्रातः काल फैलाकर संध्या को पुनः लपेट लिया जाता है। इसी प्रकार बर्रे भी कच्चे लाख से अपने छत्ते बनाती हैं और इस प्रकार प्रत्येक पशु में कुछ विलक्षण सहज प्रवृत्ति है। कंबर की विद्वता आश्चर्य की वस्तु नहीं, क्योंकि जिस प्रकार उपरोक्त उदाहरण में बताया गया है, यह भी ईश्वर की इच्छा से ही है। बातचीत संख्या 268। डॉक्टर सैयद, मुक्ति क्या है? ईशा का इससे क्या अभिप्राय था? महर्षि, मुक्ति किसके लिए तथा किससे? भक्त, मुक्ति व्यक्ति के लिए तथा जगत के दुख एवं कष्टों से। महर्षि, दुख इत्यादि किसके हैं? भक्त, मन के। महर्षि, क्या तुम मन हो? भक्त, अब मैं यह स्पष्ट करूं कि यह प्रश्न क्यों उठा। मैं ध्यान कर रहा था। मैं ईसा द्वारा कुछ भक्तों पर किए गए अनुग्रह पर विचार कर रहा था, जिनको मुक्ति प्राप्त हो गई। मैं श्री भगवान को उनके अनुरूप मानता हूँ। क्या मुक्ति इसी प्रकार के अनुग्रह का परिणाम नहीं है? मेरे प्रश्नों का यही आशय था। महर्षि, हाँ ठीक। भक्त, मैं कौन हूँ? पुस्तिका में
स्वरूप दृष्टि का वर्णन है। उस अवस्था में दृष्टा एवं दृश्य दोनों ही होंगे। इसका अंतिम एकता से क्या सामंजस्य हो? महर्षि, तुम मुक्ति की इच्छा एवं कष्ट आदि का निवारण क्यों चाहते हो? जो इनकी कामना करता है वह इनको देखता भी है। यह ऐसा है, सचेतनता ही दृष्टि है। यह दृग दृश्य भाव से युक्त होता है। क्या सचेतनता आत्मा से पृथक हो सकती है? आत्मा ही सब कुछ है। भक्त, निज स्वरूप से अहम को किस प्रकार अलग देखें? महर्षि, जिसका उदय तथा पतन है वह है अहम दृश्य मात्र है। जो अनादि एवं अनंत है वही नित्य आत्म चैतन्य है। भक्त, क्या आत्मा का निरंतर चिंतन मन को अधिक निर्मल करेगा, जिससे वह और किसी का चिंतन न कर केवल परमार्थ तत्व का चिंतन करेगा? महर्षि, यही शांत मन परमात्मा है। यही चंचल हो संकल्पों से विक्षिप्त हो जाता है, मन आत्मा की शक्ति मात्र है। भक्त, क्या कोश आत्मा से पृथक तथा पदार्थ रूप है? महर्षि, पदार्थ तथा जीव में कोई भेद नहीं है। आधुनिक विज्ञान ने पदार्थ मात्र को सभी शक्ति स्वीकार कर लिया है। शक्ति बल अथवा गति है। अतः सब शिव एवं शक्ति अर्थात आत्मा एवं मन के अंतर्गत हैं। कोश दृश्य मात्र हैं। वास्तव में उनमें कोई सत्यता नहीं है। भक्त, ध्यान प्रतिदिन कितने घंटे करना चाहिए? महर्षि, तुम्हारा निज स्वभाव ही ध्यान है अर्थात समाधि है। भक्त, परिपक्व होने पर ऐसा होगा परंतु अभी ऐसा नहीं है। महर्षि, तुम्हें इसका भान बाद में होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अब तुम्हारा स्वरूप ध्यान से भिन्न है। भक्त, अभ्यास क्या है? महर्षि, ध्यान का निरंतर अभ्यास करो। भक्त, एक फारसी योगी कहता है, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कुरान कहती है, ईश्वर सर्व आधार है। महर्षि, ईश्वर से पृथक व्याप्त होने को कोई सर्व नहीं है, केवल उसकी सत्ता है। भक्त, क्या यह नैतिकता की दृष्टि से ठीक है कि जब व्यक्ति यह जान ले कि उसका सर्वोपरि कर्तव्य आत्म चिंतन है, तो वह गृहस्थ के कर्तव्यों का परित्याग कर दे? महर्षि, त्याग करने की यह इच्छा ही बाधा है। आत्मा केवल है, आत्मा सर्व व्यक्त है ही, अर्थात आत्मा में अन्य कुछ है ही नहीं। भक्त, भगवान के दृष्टि बिंदु से यह ठीक है, किंतु हम लोगों के लिए मेरा कार्य मेरे समय तथा शक्ति का अधिकांश भाग ले लेता है। मैं प्राय इतना थक जाता हूँ कि फिर आत्मचिंतन नहीं कर पाता। महर्षि, मैं कार्य करता हूँ, यह भावना ही बाधा है। विचार करो, कौन कार्य करता है? स्मरण करो, मैं कौन हूँ? तब कर्म तुम्हें नहीं बांधेगा, वह स्वतः ही होता रहेगा। नए कार्य करने की चेष्टा करो, नए कर्म त्यागने की। तुम्हारी चेष्टा ही बंधन है, जो होना है वह होगा। यदि तुम्हारे भाग्य में कर्म नहीं होगा तो तुम्हारे प्रयास करने पर भी तुम्हें कोई कार्य नहीं मिलेगा। यदि तुम्हारे भाग्य में कार्य करना है तो तुम उसे छोड़ नहीं सकते, तुमको उसमें संलग्न होना ही पड़ेगा। यह सब उच्चतर सत्ता पर छोड़ दो,
अपनी इच्छा से न त्याग कर सकते हो न ग्रहण। बातचीत संख्या 269। भक्त सर्वव्यापी परमात्मा देहराकाश हृदयाकाश में कैसे स्थित माना जाता है? महर्षि, क्या हम एक स्थान पर निवास नहीं करते? इसी प्रकार ईश्वर का निवास हृदय पुंडरीक हृदय कमल कहा जाता है। हृदय कमल कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा विश्वास है कि हम देह में रहते हैं, इसलिए ईश्वर के रहने के स्थान का भी कुछ नाम लिया जाता है। इस प्रकार का उपदेश उन व्यक्तियों के लिए है जो केवल सापेक्ष ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। सर्वत्र अंतस्थ होने से ईश्वर का कोई विशेष स्थान नहीं है। क्योंकि हम अपने को देह में स्थित मानते हैं, हमारा यह भी विश्वास है कि हमारा जन्म होता है, किंतु हम गहन निद्रा में देह ईश्वर अथवा साक्षात्कार की पद्धति का विचार नहीं करते। तथापि जागृति में हम देह भाव में दृढ़ रहकर अपने को देह में स्थित मानते हैं। पर ब्रह्म वह है जिससे देह उत्पन्न होता है, उसी में निवास करता है तथा उसी में घुर जाता है। तथापि हम सोचते हैं कि हम देह के अंदर निवास करते हैं। अतः इस प्रकार उपदेश दिया जाता है। उपदेश का अर्थ है अंतर्मुख होना। बातचीत संख्या नंबर 270। नेलोर में अंग्रेजी के प्रवक्ता श्री जीवी सुब्रमैया ने जिज्ञासा की, ब्रह्म वह है जिससे यह सर्वव्याप्त है, येन सर्वम इदं ततम गीता। पाठ नंबर 18 श्लोक नंबर 46। तथापि श्री कृष्ण भगवत गीता के 10वें अध्याय में विभूतियों का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। महर्षि, विशेष रूप से वर्णन अर्जुन के एक निश्चिंत प्रश्न के उत्तर फल स्वरूप हुआ है, जो उपासना की सुविधा के लिए भगवान की विभूतियां जानना चाहता था। वास्तव में ईश्वर ही सब कुछ है, उससे पृथक कुछ भी नहीं है। भक्त, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जीर्ण शरीर को त्याग कर नवीन देह धारण करता है, क्या यह कथन बच्चों की मृत्यु पर भी लागू होता है? महर्षि, पहले तुम्हें यही बोध नहीं है कि जीर्णानी क्या है तथा नवानी क्या है। फिर जीर्ण तथा नव तुलना से कहा जाता है, जो एक राजा के लिए पुराना होगा वही एक भिक्षु के लिए नया हो सकता है। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति तो मुक्ति तक के समय की देह की अवस्था को प्रकट करता है। बातचीत संख्या नंबर 271। डॉक्टर सैयद, अनुग्रह किस प्रकार प्राप्त हो? महर्षि, जिस प्रकार आत्मा प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि, आत्म समर्पण से। भक्त, अनुग्रह को ही आत्मा बताया गया था, तब क्या मुझे स्वयं की आत्मा को समर्पण करना चाहिए? महर्षि, हाँ, जिसके अनुग्रह की इच्छा है उसी के प्रति समर्पण करो। ईश्वर, गुरु तथा आत्मा एक ही अलग दृश्य हैं। भक्त,
मेरे समझने हेतु अधिक स्पष्ट करने की कृपा करें महर्षि। जब तक तुम अपने को जीव मानते हो तब तक तुम ईश्वर में आस्था करते हो। ईश्वर की पूजा करने पर ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होता है। गुरु की सेवा करने से वह आत्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। यही प्रतिक्रिया है। बातचीत संख्या नंबर 272। भक्त दुर्भिक्ष महामारी आदि घोर विपत्तियां संपूर्ण विश्व को अत्यधिक ग्रस्त किए हुए हैं। इस स्थिति का क्या कारण है महर्षि? यह सब अनुभूति किसे होती है? भक्त इससे मुझे संतोष नहीं होगा, मुझे सर्वत्र दुख दिखता है। महर्षि अपनी सुषुप्ति में तुम्हें जगत तथा दुख का भान नहीं होता था, अपनी जागृत अवस्था में तुम्हें इनका भान होता है। उसी अवस्था में स्थिर रहो जिसमें तुम इनसे दुखी नहीं थे। इसका तात्पर्य यह है कि जब तुम्हें जगत का भान नहीं होता और उसके कष्ट तुम्हें प्रभावित नहीं करते, जब तुम आत्म रूप हो जाओगे रहोगे जैसे सुषुप्ति में, तब जगत तथा इसके कष्ट तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। अतः अंतर्मुख हो, आत्मा को देखो, तब जगत तथा उसके दुखों का अंत हो जाएगा। भक्त किंतु यह स्वार्थ प्रायणता है महर्षि। जगत बाहर नहीं है, क्योंकि तुम भूल से स्वयं को देह मानकर जगत को अपने से बाहर देखते हो और उसके कष्ट में प्रत्यक्ष होते हैं, परंतु वे वास्तविक नहीं है। सद्वस्तु की प्राप्ति करो और इस मिथ्या भाव से बचो। भक्त महापुरुष हैं तथा जन सेवक हैं जो जगत के कष्टों की समस्या का समाधान नहीं कर पाते महर्षि। वे अहंकार ग्रस्त होने के कारण असफल हैं। यदि वे आत्मा में स्थित रहें तो वे भिन्न होंगे। भक्त महात्मा सहायता क्यों नहीं करते महर्षि? तुम कैसे जानते हो कि वे सहायता नहीं करते? जनता में भाषण, शारीरिक क्रिया तथा भौतिक सहायता महात्माओं के मौन की तुलना में नगण्य है। अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा वे कई अधिक करते हैं। भक्त जगत की स्थिति के सुधार हेतु हमारा क्या कर्तव्य है महर्षि? यदि तुम दुख से मुक्त रहो तो तुम्हें कहीं भी दुख नहीं रहेगा। वर्तमान कष्ट का कारण तुम्हारा जगत को बाहर देखना तथा इसमें दुख है ऐसी धारणा बनाना ही है, परंतु जगत तथा दुख दोनों तुम में हैं। यदि तुम अंतर्मुख होगे तो कोई दुख नहीं होगा। भक्त ईश्वर पूर्ण है, उसने जगत को अपूर्ण क्यों बनाया? कृति में लेखक का स्वभाव आता है, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है महर्षि। वह कौन है जो प्रश्न करता है? भक्त मैं व्यक्ति महर्षि। क्या तुम ईश्वर से पृथक हो जो यह प्रश्न करते हो? जब तक तुम स्वयं को देह मानते हो तभी तक जगत तुमको बाहर दिखता है और तुमको यह अपूर्णता दिखती है। ईश्वर पूर्णता है, उसकी कृति भी पूर्णता है, परंतु तुम्हारी मिथ्या तादात्म्यता के कारण तुम्हें यह अपूर्णता सी प्रतीत होती है। भक्त आत्मा कष्टपूर्ण सृष्टि के रूप में क्यों व्यक्त हुई? मैं ऋषि जिससे कि तुम आत्मा को प्राप्त करो, तुम्हारे चक्षु स्वयं को नहीं देख सकते, उनके सामने दर्पण रखने से वे स्वयं को देखते हैं। सृष्टि के साथ भी ऐसा ही है। पहले स्वयं को देखो, तदुपरांत समस्त जगत को आत्म रूप देखो। भक्त इसका तात्पर्य यह हुआ कि मैं सदैव अंतर्मुख रहूं महर्षि। हाँ भक्त
क्या मैं जगत को बिल्कुल न देखूं? महर्षि, तुम्हें जगत से अपनी आंखें मूंदने को नहीं कहा गया है। तुम्हें केवल पहले स्वयं को देखना है, तदुपरांत समस्त जगत को आत्म रूप देखना है। यदि तुम स्वयं को देह मानते हो तो जगत बाहर प्रतीत होता है। यदि तुम आत्मा हो तो जगत ब्रह्म भासित होता है। बातचीत संख्या नंबर 273। डॉक्टर सैयद ने जिज्ञासा की, मैं पंच श्लोकी पढ़ रहा हूँ, उससे मुझे प्रतीत होता है कि आपने श्लोक अरुणाचल के प्रति कहे हैं। आप अद्वैती हैं, फिर आप ईश्वर को एक पृथक सत्ता के रूप में कैसे संबोधित करते हैं? महर्षि, भक्त, भगवान तथा श्लोक सब आत्मा हैं। भक्त, किंतु आप परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं। आप इस अरुणाचल पहाड़ को परमात्मा जैसे संबोधित कर रहे हैं। महर्षि, तुम आत्मा को देह से मिला सकते हो, क्या भक्त आत्मा को अरुणाचल से नहीं मिला सकता? भक्त, यदि अरुणाचल आत्मा है तो अन्य पर्वतों की अपेक्षा इसे ही विशेष रूप से क्यों चुना गया? ईश्वर सर्वत्र है, आप अरुणाचल के रूप में उसका विशेष रूप से वर्णन क्यों करते हैं? महर्षि, तुम्हें इलाहाबाद से इस जगह आने के लिए किसने आकर्षित किया और यहाँ सब और बैठे हुए व्यक्तियों को किसने आकर्षित किया? भक्त, श्री भगवान ने। महर्षि, मैं यहाँ कैसे आकर्षित हुआ? अरुणाचल से। उस शक्ति को स्वीकार करना ही पड़ेगा। फिर अरुणाचल भी भीतर है, बाहर नहीं। आत्मा अरुणाचल है। भक्त, शास्त्रों में आत्मा, परमात्मा, परा आदि शब्द व्यवहार में आए हैं, इनमें श्रेणीकरण क्या है? महर्षि, शब्द के उपयोग करने वाले के लिए इन सब का एक ही अर्थ है, किंतु अन्य व्यक्ति अपने विकास के अनुसार भिन्न अर्थ लगाते हैं। भक्त, परंतु एक ही वस्तु के लिए इतने अधिक शब्दों का प्रयोग क्यों है? महर्षि, यह परिस्थिति के अनुसार होता है। इन सब का आशय आत्मा है। परा का आशय निरपेक्ष अथवा द्वंद्वातीत है, अर्थात ब्रह्म है। भक्त, हृदयपन ध्यान करने हेतु क्या मुझे दाहिने वक्ष पर ध्यान करना चाहिए? महर्षि, हृदय भौतिक नहीं है। ध्यान दाहिने अथवा बाएं पर नहीं होना चाहिए, ध्यान आत्मा पर होना चाहिए। मैं हूँ, यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है। मैं कौन है? वह न अंदर है न बाहर, न दाहिने न बाएं। मैं हूँ, बस यही है। हृदय वह केंद्र है जिससे सब कुछ प्रकट होता है। क्योंकि तुम जगत, देह आदि देखते हो, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इन सबके लिए एक केंद्र है जिसको हृदय कहते हैं। जब तुम हृदय में स्थिर हो, तब हृदय न केंद्र है न परिधि, अन्य कुछ भी नहीं है, तब वह किसका केंद्र हो सकेगा? भक्त, क्या मैं यह समझूं कि आत्मा तथा अनात्मा पदार्थ तथा उसकी छाया के समान है? महर्षि, पदार्थ तथा छाया का अस्तित्व उसके लिए है जो केवल छाया को देखता है और भ्रांतिवश उसे पदार्थ मान लेता है तथा उसकी छाया भी देखता है। किंतु जिसे केवल सत्य का ही बोध होता है, उसके लिए न पदार्थ है न छाया। भक्त, बुद्ध से जब यह पूछा गया कि क्या अहंकार है, वे मौन रहे। जब यह पूछा गया कि क्या अहंकार नहीं है,
वे मौन रहे। जब यह पूछा गया कि क्या ईश्वर है, वे मौन रहे। जब यह पूछा गया कि क्या ईश्वर नहीं है, वे मौन रहे। इन सब के लिए उनका उत्तर मौन था। महायान तथा हीनयान दोनों विचारधाराओं ने उनके मौन का गलत अर्थ किया है, क्योंकि वे उन्हें नास्तिक कहते हैं। यदि बुद्ध नास्तिक होते तो वे निर्वाण, जन्म, मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म तथा धर्म का वर्णन क्यों करते? उनके टीकाकार गलती पर हैं, क्या ऐसा नहीं है? महर्षि, तुम सही हो। 27 अक्टूबर 1936। बातचीत संख्या नंबर 274। मुसलमान प्रोफेसर ने जिज्ञासा की कि वैष्णव मत का अद्वैतवाद से कैसे समन्वय हो सकता है। महर्षि, वैष्णव मत वाले स्वयं को विशिष्टाद्वैती कहते हैं, यह भी अद्वैत ही हुआ। जिस प्रकार व्यक्तिगत शरीर में आत्मा, अहंकार तथा स्थूल शरीर है, उसी प्रकार ब्रह्म में परमात्मा, जगत तथा जीव अंतर्व्याप्त है। भक्त, क्या भक्ति में द्वैत का भाव ध्वनित नहीं होता? महर्षि, सब स्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्ते भी धीयते। आत्मा का अनुसंधान ही भक्ति कहा गया है। भक्ति तथा आत्मा अनुसंधान एक है और समान है। अद्वैतियों की आत्मा ही भक्तों का ईश्वर है। भक्त, क्या समस्त संप्रदायों के मूल संस्थापकों का आध्यात्मिक सोपान है, जो मनुष्य के आध्यात्मिक कल्याण के प्रति जागरूक रहते हैं? महर्षि, वे हों अथवा न हों, यह एक अनुमान मात्र है। आत्मा प्रत्यक्ष है, इसको जान लो और अनुमान को समाप्त कर दो। कोई एक उपरोक्त सोपान को स्वीकार करे, दूसरा न भी करे, परंतु आत्मा का कोई विरोध नहीं कर सकता। भक्त, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग के संबंध में श्री भगवान का क्या मत है? महर्षि, हाँ, दोनों का वर्णन है। जिज्ञासा क्या है? भक्त, दोनों में उत्तम कौन सा है? महर्षि, यदि तुम केवल शुद्ध तथा सहज आत्मा की अनुभूति करो, यह निवृत्ति है। यदि तुम आत्मा को जगत सहित देखते हो, यह प्रवृत्ति है। दूसरे शब्दों में अंतर्मुखी मन निवृत्ति है तथा बहिर्मुखी मन प्रवृत्ति है, परंतु आत्मा से परे कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही हैं। आध्यात्मिक सोपान के संबंध में भी इसी प्रकार है। आत्मा से अन्यत्र उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वे केवल आत्मा में हैं तथा आत्म रूप रहते हैं। आत्मा का साक्षात्कार ही सबका एकमात्र लक्ष्य है। 5 नवंबर 1936। 275वीं बातचीत। वार्ता के मध्य एक व्यक्ति ने श्री ब्रंटन तथा एक महिला के रात्रि को घर लौटते समय आधे पर्वत पर उत्तर से दक्षिण की ओर धीरे धीरे चलता हुआ जो चमकता प्रकाश देखा था, उसकी चर्चा की। श्री भगवान ने कहा, ज्ञान ही इस पर्वत के आकार में है। भक्त, भौतिक नेत्र इसे कैसे देख सकता है? महर्षि, सम बनद्दर ने कहा है, जिसने मेरे हृदय को वश में कर लिया है अथवा जिसने मेरे हृदय को अपना बंदे बना लिया है, उसका मैं अपने मन में यशगान करता हूँ। हृदय मुग्ध हो जाता है, परिणामतः मन भी हृदय में डूब जाता है, तथापि स्मृति अवशेष रह जाती है, जिससे संत बाद में ईश्वर का यशगान करता है।
इसके बाद एक युवक शिष्य के अनुभव का प्रसंग बताया गया। एक सुशिक्षित और संपन्न शरीर से स्वस्थ तथा शांत मन का युवक श्री भगवान के चित्र के समक्ष घर पर बैठा आकृति का ध्यान कर रहा था। सहसा चित्र सजीव होने लगा, जिससे युवक का शरीर भयभीत हो ऐंठने लगा। उसने अपनी माँ को पुकारा। माँ ने आकर उससे उसका कारण पूछा। उसकी आकृति देख चारों ओर एकत्रित हुए उसके संबंधी घबरा गए। युवक को लोगों की उपस्थिति का बोध था, तथापि एक रहस्यमय शक्ति ने उसे वश में कर लिया था, जिससे वह अपनी रक्षा कर रहा था। वह कुछ समय तक अचेत रहा। चेतना आने पर वह पुनः भय से ग्रस्त हो गया। लोग चिंतित हो उठे और उसको स्वस्थ करने के लिए औषधि देने लगे। बाद में जब वह तिरुवन्नमलाई आया तो उसे वैसा ही अनुभव की संभावना का भय बना रहा। श्री भगवान के सानिध्य में किसी बुरी घटना को नहीं होने दिया, किंतु जब कभी वह कक्ष से बाहर दूर निकलता था, वह शक्ति उस पर हावी होकर उसे भय से जकड़ लेती थी। श्री भगवान ने कहा, क्या ऐसा है? मुझे किसी ने पहले यह नहीं बताया। एक भक्त ने जिज्ञासा की, क्या वह शक्तिपात नहीं था? महर्षि, हाँ यह है। पागल व्यक्ति संस्कारों से चिपका रहता है, जबकि ज्ञानी नहीं। दोनों में यही अंतर है। ज्ञान एक प्रकार का उन्माद ही है भक्त, किंतु शक्तिपात तो जब पाप पुण्य कर्म साम्य बराबर होते हैं तब होता है। महर्षि, हाँ। मल परिपाक, कर्म साम्य तथा शक्तिपात का एक ही अर्थ है। व्यक्ति के संस्कारों के अनुसार उसकी गति है। जब उसे बोध दिया जाता है कि वह आत्मा है, तो वह बोध उसके मन पर अपना प्रभाव डालता है तथा उसका अनुमान पहले से विपरीत दिशा में जाने लगता है। उस शक्ति के वेग के सामने वह अपने को असहाय पाता है। मैं आत्मा हूँ, इस बात को वह जिस प्रकार अनुमान करता है, उस स्थिति के अनुसार उसका अनुभव होता है। उसकी वह चाहे जो कुछ भी कल्पना कर ले, केवल शक्तिपात ही सत्य एवं सही अनुभव प्रदान करता है। जब मनुष्य उपदेश ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है एवं उसका मन हृदय में विलीन होने वाला होता है, तो उपदेश तुरंत परिणाम करता है और वह ठीक प्रकार से आत्मा की अनुभूति कर लेता है। अन्यथा संघर्ष सदैव चलता रहता है। मनोनाश ज्ञान तथा चित्तेकाग्रता का एक ही अर्थ है। बातचीत संख्या 276। यूपी की विशिष्ट महिला अपने भाई, एक सहेली तथा एक भारी बदन के अंग रक्षक के साथ आई। कक्ष में आकर महिला ने श्री महर्षि को अत्यंत आदर एवं भाव सहित प्रणाम किया तथा श्री भगवान के समक्ष उन्हीं नामदे पर बैठ गई। श्री भगवान उस समय तेलुगु में त्रिलिंग समाचार पत्र में प्रकाशित एक बालक के पुनर्जन्म से संबंधित समाचार पढ़ रहे थे। बालक अब 13 वर्ष का है तथा लखनऊ के समीप एक गांव में राजकीय उच्च विद्यालय में पढ़ता है। जब वह 3 वर्ष का था, तब वह इधर उधर भूमि खोदता रहता था। पूछने पर वह कहता था कि मैं भूमि में छिपाई हुई कुछ वस्तु पाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब उसकी 4 वर्ष की आयु हुई, तब उसके घर में किसी का विवाह समारोह संपन्न हुआ।
विदा होते समय अतिथियों ने हंसी में कहा कि जब इस बालक का विवाह होगा वे फिर आएंगे। परंतु बालक ने मुड़कर कहा, मेरा विवाह पहले ही हो चुका है, मेरे दो पत्नियां हैं। फिर प्रश्न किए जाने पर कि वे कहाँ हैं, तो उसने एक ग्राम में ले जाए जाने की इच्छा प्रकट की तथा वहां जाकर उसने दो स्त्रियों की ओर संकेत कर उन्हें अपनी पत्नी बनाया बताया। अब पता चला कि उनके पति के स्वर्गवास तथा उस बालक के जन्म के बीच 10 माह का समय बीता था। जब यह प्रसंग महिला को बताया गया तो उसने जिज्ञासा की कि क्या व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत की स्थिति मालूम करना संभव है। श्री भगवान ने कहा, कुछ का जन्म तुरंत हो जाता है, अन्य का कुछ काल व्यतीत होने पर होता है और कुछ पृथ्वी पर जन्म न लेकर बाद में उच्चतर लोक में मुक्ति पाते हैं तथा अत्यंत सीमित व्यक्ति ही यहाँ और अभी मुक्त हो पाते हैं। महिला, मेरा आशय यह नहीं है। क्या मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की अवस्था का पता लगाना संभव है? महर्षि, यह संभव है, किंतु इसे जानने का प्रयास क्यों? सारी बातें उतनी ही सत्य हैं जितना कि उनकी खोज करने वाला है। महिला, एक व्यक्ति का जन्म, उसका अस्तित्व तथा मृत्यु हमारे लिए वास्तविक है। महर्षि, क्योंकि तुमने गलती से आत्मा को देह मान लिया है, तुम अन्य व्यक्ति को भी देह दृष्टि से देखती हो, न तुम और न अन्य व्यक्ति देह हैं। महिला, किंतु अपनी समझ के स्तर से मैं स्वयं को तथा अपने पुत्र को सत्य मानती हूँ। महर्षि, अहम भाव का जन्म ही उस व्यक्ति का अपना जन्म है तथा उसकी मृत्यु ही व्यक्ति की मृत्यु है। अहम भाव के उदय होने के बाद ही देह से मिथ्या तादात्म्यता उदय होती है। स्वयं को देह मानकर तुम अन्य व्यक्तियों का भी मिथ्या मूल्यांकन करते हो तथा उन्हें देह मानते हो। जिस प्रकार तुम्हारी देह का जन्म हुआ है, बढ़ता है तथा नाश होगा, उसी प्रकार तुम सोचते हो कि दूसरे का जन्म हुआ, बड़ा हुआ और मर गया। क्या तुम्हें अपने पुत्र के जन्म से पूर्व कभी उसका विचार आया था? उसके जन्म के उपरांत ही यह विचार आया तथा उसके देहांत के पश्चात भी बना हुआ है। जितना तुम उसका विचार करती हो उतना ही वह तुम्हारा पुत्र है। वह कहाँ चला गया है? वह उस स्रोत में मिल गया है जहाँ से वह आया था। उसकी तुम्हारे साथ एक रूपता है, जब तक तुम हो वह भी है। यदि तुम स्वयं की देह से तादात्म्यता करना छोड़ दो किंतु वास्तविक आत्मा की अनुभूति करो तो यह भ्रांति समाप्त हो जाए। तुम नित्य हो, इस प्रकार दूसरे भी नित्य प्रतीत होंगे। जब तक इस सत्य की अनुभूति न कर लोगे तब तक मिथ्या ज्ञान एवं मिथ्या तादात्म्यता से उत्पन्न मिथ्या मूलांकन के कारण वह शोक सदैव रहेगा। महिला, श्री भगवान के अनुग्रह से मुझे सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो। महर्षि, अहम वृत्ति से मुक्त हो जाओ। जब तक मैं जीवित है तब तक शोक है, जब मैं नहीं रहता तब शोक भी नहीं रहता। सुसुप्ति की अवस्था पर विचार करो। महिला, हाँ, किंतु जब मैं अहम वृत्ति पर एकाग्र होती हूँ तब दूसरे संकल्प उदय होते हैं और मुझे अशांत करते हैं। महर्षि, देखो ये संकल्प किसके हैं, वे नष्ट हो जाएंगे। उनका मूल केवल अहम वृत्ति में है, इस पर डटे रहो तो वे लुप्त हो जाएंगे। महर्षि ने पुनः योग वासिष्ठ के पंचम सर्ग के 20वें अध्याय में वर्णित पुण्य तथा पाप की कथा की ओर ध्यान दिलाया।
जब पुण्य अपने माता पिता के देहांत केस में पाप को सांत्वना देता है तथा उसे आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करता है, फिर सृष्टि को उसके दो पक्षों से देखना है, ईश्वर सृष्टि तथा जीव सृष्टि। इन दोनों में से जगत ईश्वर सृष्टि है तथा जीव से इसका संबंध जीव सृष्टि है। जीव सृष्टि जगत का विचार किए बिना दुख एवं सुख का उदय करती है। पंचदशी से एक कहानी कही गई है। दक्षिण भारत के एक ग्राम में दो युवक रहते थे। वे उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा को निकले। उनमें से एक की मृत्यु हो गई। दूसरे ने जो कुछ कमाई कर रहा था उसने कुछ मास ठहर कर घर जाने का निश्चय किया। इसी समय उसे एक तीर्थ यात्रा करता हुआ व्यक्ति मिला, जिससे उसने अपने तथा दिवंगत साथी के समाचार दक्षिण भारत के ग्राम तक पहुंचा देने को कहा। तीर्थ यात्री ने समाचार पहुंचाए, किंतु गलती से दोनों के नाम बदल दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि मृतक के माता पिता उसके सुरक्षित रहने के उपलक्ष्य में आनंद मनाने लगे तथा जीवित व्यक्ति के माँ बाप शोक करने लगे। इस प्रकार तुम देखोगे कि सुख अथवा दुख का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, यह मानसिक अवधारणाओं के कारण है। इसके लिए जीव सृष्टि उत्तरदायित्व है, उत्तरदायी है। जीव भाव को खत्म कर दो, न दुख रहेगा न सुख, किंतु सदैव के लिए केवल आनंद ही रहेगा। जीव भाव को खत्म करने का अर्थ है आत्मा में विश्वास करना। महिला, मैंने यह सब सुना, यह सब मेरी समझ से बाहर है। श्री भगवान से मेरी प्रार्थना है कि यह सब समझने में मेरी सहायता करें। मैं मैसूर में एक झरना देखने गई थी। झरने का दृश्य मनोहर था। जल स्रोत अंगुलियों की आकृतियों में चट्टानों को पकड़ने का प्रयास करते प्रतीत होते थे, पर धारा प्रवाह में नीचे गहराइयों में ढकेले जा रहे थे। मुझे यह दृश्य व्यक्तियों द्वारा अपने वर्तमान वातावरण से चिपके रहने जैसी अवस्था का लगा, परंतु मैं भी उसी से चिपकी हुई हूँ। मैं यह अनुमान नहीं कर सकती कि हम मौसम के पुष्प फल तथा वृक्षों की पत्तियों से अधिक अच्छे नहीं है। मुझे पुष्प प्रिय हैं, तथापि यह विचार मुझे प्रभावित नहीं करता। कुछ अक्षणों के बाद महिला ने कहा कि उसका विचार महर्षि से मृत्यु तथा उससे संबंधित विषयों पर प्रश्न करने का था, किंतु फिर उसने पूछा नहीं। तथापि महर्षि समाचार पत्र में उसी विषय को पढ़ते रहे थे तथा उसी विषय पर ज्ञान चर्चा हुई। लक्ष्मी गाय को देखकर महिला ने विदा ली। 9 नवंबर 1936 बातचीत संख्या 277 श्री कोहन। संकल्प क्या है? मेरा अभिप्राय यह है कि इसका पंचकोशों में कहाँ स्थान है। महर्षि, सर्वप्रथम अहम वृत्ति उदय होती है, तदुपरांत अन्य संकल्प, वे ही मन हैं। मन दृश्य है तथा मैं दृष्टा है। क्या मैं के बिना इच्छा हो सकती है? वह मैं ही समाई हुई है। अहम वृत्ति विज्ञान में कोश है, इच्छा इसी में निहित है। श्री भगवान ने आगे कहा, अन्य में कोश स्थूल देह कोश है। प्राण सहित ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेंद्रियां प्राण में कोश का निर्माण करती हैं।
ज्ञानेन्द्रियां तथा मन मनो में कोष बनाती हैं, वे ही ज्ञानेन्द्रियां हैं। मन केवल संकल्पों से बना है। इदम दृश्य है तथा अहम मैं दृष्टा है, दोनों मिलकर विज्ञान में कोष बनते हैं। 10 नवंबर 1936 बातचीत संख्या नंबर 278। हिंदू धर्म अंगीकार करने वाली पोलैंड की कुमारी डब्लू उमा देवी कश्मीर की यात्रा करके वहां के चित्र लाई थी जिन्हें हम देख रहे थे। श्री भगवान ने विनोद करते हुए कहा, यात्रा का कष्ट बिना उठाए हमने ये स्थान देख लिए, भक्त मैं कैलाश जाना चाहती हूँ। महर्षि, यदि प्रारब्ध में हो तभी इन स्थानों को देखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। सब कुछ देख लेने के पश्चात भी इस गोलार्ध में नहीं तो दूसरे में और अधिक स्थान भी देखने को बाकी रहेंगे। ज्ञान से अभिप्राय है जो ज्ञात है, उससे जो प्रिय है उससे अनभिज्ञता। ज्ञान सदैव ही सीमित है। कुछ समय के पश्चात महर्षि ने कहा, अपर दुर्बल तथा वृद्ध होते हुए भी कैलाश यात्रा पर चल पड़ा। रास्ते में एक दूसरा वृद्ध मनुष्य मिल गया। उसने उसे वहां जाने से रोकने के लिए प्रयास किया और बताया कि वहां पहुंचना बहुत ही कठिन है, परंतु अपर हठी था और कहने लगा, मैं इस प्रयास में अपने प्राणों की जोखिम लेने को तैयार हूँ। उस अपरिचित ने उससे समीप के एक सरोवर में स्नान करने को कहा। अपर ने वैसा ही किया। उसे कैलाश का तत्काल वहीं दर्शन हुआ। यह सब कहाँ हुआ? यह हुआ त्रुवैयार में, तंजौर से केवल 9 मील की दूरी पर। तब कैलाश कहाँ है? कैलाश मन के अंदर है अथवा बाहर? यदि वास्तव में त्रुवैयार में कैलाश है तो वह अन्य लोगों को भी देखना चाहिए, परंतु यह अनुभूति केवल अपर को ही हुई। इस प्रकार दक्षिण के अन्य तीर्थों के संबंध में भी यही प्रचलित है कि वे शिव के निवास हैं और भक्तों को उनका इसी रूप में दर्शन हुआ है। उनके दृष्टिकोण से यह सत्य है, सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बातचीत संख्या नंबर 279। भक्त, मृत्यु के उपरांत मनुष्य को पुनर्जन्म में कितना समय लगता है? मृत्यु के तुरंत बाद ही अथवा कुछ समय पश्चात? महर्षि, जन्म से पूर्व तुम क्या थे यह तुमको नहीं मालूम, तथापि तुम यह जानने को उत्सुक हो कि मृत्यु के बाद तुम क्या होगे। क्या तुम जानते हो कि अब तुम क्या हो? जन्म तथा पुनर्जन्म देह का होता है। तुम आत्मा को देह से मिला रहे हो। यह मिथ्या तादात्म्यता है। तुम देह का जन्म तथा मरण यथार्थ मानकर एक के आभास को दूसरे से मिला रहे हो। अपनी वास्तविक स्वरूप को जान लो और तब यह प्रश्न नहीं रहेगा। जन्म तथा पुनर्जन्म की चर्चा केवल इस हेतु की जाती है कि जिससे कि तुम इस प्रश्न पर विचार करो और यह जान लो कि न जन्म है न पुनर्जन्म। उनका संबंध देह से है, आत्मा से नहीं। आत्मा को जान लो तथा संदेहों से अशांत मत हो। बातचीत संख्या नंबर 280। भक्त, क्या आप मुझे माया से मुक्त होने में सहायता कर सकते हैं? महर्षि, माया क्या है? भक्त, जगत में आसक्ति। महर्षि, क्या जगत तुम्हारी गहन निद्रा में था तब क्या इसमें आसक्ति थी? भक्त, नहीं थी। महर्षि, तब तुम वहां थे अथवा नहीं? भक्त, हो सकता है। महर्षि, तब क्या तुम सुसुप्ति में अपने अस्तित्व से इनकार करते हो?
भक्त मैं नहीं करता। महर्षि अतः तुम अभी भी वही हो जो सुषुप्ति में थी। भक्त हाँ, सुषुप्ति जगत का अभाव, आसक्ति का अभाव आत्मा। जागृति जगत, आसक्ति आत्मा। तब वह कौन है जो अभी इसमें माया के सब बंध में प्रश्न उठा रहा है? भक्त सुषुप्ति में मन का अभाव था, जगत तथा आसक्ति मन की है। महर्षि ऐसा ही है, जगत तथा उसके प्रति आसक्ति मन की आत्मा की नहीं। जगत तथा उसके प्रति आसक्ति मन की है, आत्मा की नहीं। भक्त मैं सुषुप्ति में अन्न भिग था। महर्षि यह कौन कह रहा है कि वह अन्न भिग था? क्या वह अभी भी अनभिग नहीं है? क्या वह ज्ञानी है? यहाँ संगदोष से दूषित आत्मा अनभिगता की चर्चा कर रहा है। भक्त तब क्या सुषुप्ति में शुद्ध आत्मा था? महर्षि वह कोई संशय नहीं कर रहा था, वह स्वयं को अपूर्ण अथवा अशुद्ध अनुभव नहीं कर रहा था। भक्त यह आत्मा तो सभी में समान है, मृत देह में भी। महर्षि किंतु मनुष्य सुषुप्ति में अथवा मृत देह में प्रश्न नहीं करता। विचार करो, प्रश्न कौन करता है? यह तुम हो। क्या तुम सुषुप्ति में नहीं थी? उस समय अपूर्णता क्यों नहीं थी? शुद्ध आत्मा अस्तित्व मात्र है, यह जागृत अवस्था जैसे विषय भाव में नहीं आता। इस जागृत अवस्था में जिसको अब तुम चेतनता कहते हो, यह चेतना केवल चैतन्य चैतन्य नहीं है, क्योंकि यह मन बुद्धि आदि पर अवलंबित है, परंतु सुषुप्ति में इनके बिना चैतन्य का अस्तित्व था। भक्त किंतु सुषुप्ति में मुझे चैतन्य का भान नहीं होता। महर्षि इसका भान किसको नहीं है? तुम स्वीकार करते हो मैं हूँ, तुम स्वीकार करते हो सुषुप्ति में मैं था, यह होने पना ही तुम हो। भक्त क्या आपका आशय है कि सुषुप्ति आत्म साक्षात्कार है? महर्षि यह आत्मा है। तुम साक्षात्कार की बात क्यों करते हो? क्या ऐसा एक भी अक्षण है जब आत्मा का साक्षात नहीं होता? यदि ऐसा कोई अक्षण होता, दूसरे अक्षण को साक्षात्कार का अक्षण कहा जाना संभव होता। ऐसा कोई अक्षण नहीं है जब आत्मा न हो अथवा जब आत्मा का साक्षात्कार न हो। उसके लिए सुषुप्ति को ही क्यों चुनते हो? इस में भी तुम आत्मा का साक्षात्कार है, इस में भी तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार है। भक्त किंतु मैं समझता नहीं। महर्षि इसका कारण यह है कि तुम आत्मा को देह से मिला रहे हो। मिथ्या तादात्म्यता को त्याग दो और आत्मा प्रकट ही है। भक्त किंतु मैंने आपसे माया अथवा आसक्ति से निवृत्त होने के लिए आपकी सहायता की जो याचना की थी, मेरे उस प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। महर्षि सुषुप्ति में यह आसक्ति नहीं होती, इसकी अनुभूति तथा अनुभव अभी है। यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह भ्रांत धारणा किसको हुई है? अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेने पर मैं मेरा नहीं रहेगा, यही माया से मुक्ति पाना है। माया बाहर नहीं है कि उससे किसी अन्य प्रकार से मुक्त हुआ जा सके। इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो नंबर 26 हम शुरू करेंगे। 15 नवंबर 1936 निहाई से सफूली, बातचीत संख्या नंबर 281। धन्यवाद मेरे दोस्तों, नमस्कार।